दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संगीता आर्या और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने गाना लेके आई हूँ वो है रामी बोराणी अमर कथा पे जो गाना है, जो कहानी है उसको जो है गाने के जरिए कैसा गाया गया है, तो मैं आज वो गाने वाली हूँ। और इसका कमेंट किया था संजीव राणा जी ने, तो वो कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप रामी बोराणी वाला गाना जो है एक बार गा दीजिए। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी। वैसे मैं एक बार आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के टाइम जो है मैंने इस नाटक को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक में मैंने काम किया है और उसमें जो है मेरा वीरो का रोल था, यानी कि जो फौजी रहता है उसका रोल था मेरे पास। तो वैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है पहले से, लेकिन फिर भी मैं बीच में रुक ना जाऊँ इस वजह से जो है मैंने ये देखिए पूरे ये अभी 4 पेज हो रखे हैं, ये देखिए। और मेरे को ना अभी जल्दबाजी में पेन भी नहीं मिला, और ये देखिए तो इसी में मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों, और जो रानी का रोल निभाया था वो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड रोशनी। तो स्कूल के भी क्या दिन थे, आज वो दिन भी याद आ गए। और मैं जब अभी गाना लिख रही थी ना, मुझे बहुत ऐसे रोना जैसे आ रहा था, याद आ रही थी मुझे बहुत। उस टाइम हमने कितनी रिहर्सल करी थी, कितना, और हमें इनाम भी मिला था उस कर्नाटक के माध्यम से। हम जो है 3 से 4 जगह हमें जाने का मौका मिला था। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि गा पाऊँ मैं। सेती पाई नोनी भोंदी पिराणी, क्या लिख्यो भाग तेने जानी। सेती पाई नोनी भोंदी पिराणी, क्या लिख्यो भाग हे पी धता सब छते रुखेल, राम को करी तीन कानिया जेल। हे पी धता सब छते खेल, रामी को करी तीन कानिया जेल। तो दोस्तों, रामी कह रही है कि मुझे ना मेरी किस्मत के लिए भगवान हे विधाता तुमने कैसे जेल करी है, ये मतलब मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था। तो तब तक आ जाते हैं जोगी बाबा, जो कि रहते हैं फौजी साहब, लेकिन वो अपनी रामी को मतलब परखते हैं, जांचते हैं। तो वो उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन के आते हैं जोगी के भेस में। मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो हमारे पहाड़ी लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मेरी वीडियोस और लोग भी देखेंगे ना, जैसे हिंदी जिनको हमारी पहाड़ी भाषा समझ में नहीं आती है तो वो भी समझेंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊँगी बीच बीच में। तो फिर जोगी बाबा कहते हैं, रानी से पूछती हैं, वो खेतों में काम कर रही होती है। बाटा गोडेदारी क्या तेरू नोचे, बोले बो रानी कख तेरू पोछे। बाटा गोडेदारी क्या तेरू नोचे, बोले बो रानी कख तेरू पोछ। सास ससुरा जी कख तेरा आज, यकुली तू खे तू माँ करेणी काज। आँखी डब डबीज कुड़ी उदास, स्वामी जी तेरा क्या कर दकाज। आँखी डब डबीज कुड़ी उदास,
स्वामी जी तेरा क्या करता काज। तो तबियो जोगी बाबा पूछ रहे हैं रामी से कि रामी बुरानी, आपका गांव कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप अकेले खेतों में काम क्यों कर रहे हो, आपके ससुर कहाँ हैं, आपकी सास कहाँ है और आपके पति कहाँ हैं। तो फिर रामी जवाब देती है, पतिव्रता रानी जो है, रोतों की नोनी छो पाली गोछ, सेठों की बारी छो रामी नोछ, रोतों की नोनी छो पाली गोछ, सेठों की बारी छो रामी नोछ, ससुराजी मेरा बैकुंठ भेन, सासू जी मेरी घोर मछीन, स्वामी जी मेरा फौज मगेन, बारह साल बीती बोड़ी एन, स्वामी जी मेरा फौज मगेन, बारह साल बीती बोड़ी एन। तो दोस्तों रामी जवाब दे रही है, रामी बोराणी जवाब दे रही है कि मैं रावतों की नॉन लड़की हूँ और मेरा गांव जो है पाली तरफ है और मैं सेठों की बुआरी यानी कि मैं सेठों की बहू हूँ और रामी मेरा नाम है। ससुर जी जो हैं मेरे बैकुंठ सुधार गए मतलब वो गुजर गए हैं और सासू जी जो है मेरी घर में है और स्वामी जी यानी कि मेरे पति जो हैं वो 12 साल से फौज में गए लेकिन तब से अभी वापस नहीं आए क्योंकि उधर कुछ लड़ाई वगैरह लगी थी जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। 12 साल हो गए हैं तो ये कह रही है 12 साल से अभी वापस नहीं आए हैं। तो जोगी बाबा जी जो है बहुत तेज़ दिमाग के थे तो उन्होंने भी अपनी रामी को परखने क्योंकि वो तो उनको पहचान गए थे लेकिन रामी नहीं पहचान पाई क्योंकि उन्होंने अपनी पेरी पूरी वेशभूषा जो है चेंज करी हुई रहती है इस वजह से। तो फिर वो तो पहचान जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है तो इसीलिए वो उनको चिढ़ाते भी हैं, उनसे मतलब ऐसी बातें करते हैं ताकि मतलब उनको समझ जाए कि मतलब होता है ना कि ये पतिव्रता धर्म अपना पूरा निभा रही है कि नहीं निभा रही है, उसको पूरा जांचने परखने की कोशिश करते हैं। तो फिर जोगी बाबा कह रहे हैं, ते स्वामी का बाना की ले रोणी, तरुणी जवानी क्या तू छखोड़ी, ते स्वामी का बाना की ले रोणी, तरुणी जवानी क्या तू छखोड़ी, चल बो रानी छेला बैठ जोला, अपड़ा माना की ताखी मलोला, चल बो रानी छेला बैठ जोला, अपड़ा मान गीता की मलोला। तो दोस्तों फिर पूछ रहे हैं जोगी बाबा कह रहे हैं कि तू अपने पति के लिए क्यों रो रही है और क्यों तू उसके लिए अपनी जो जवानी है और क्यों तू उसको खो रही है, मतलब अभी तू जवान है और ऐसा मत कर। तो फिर बोल रहे हैं कि चल हम छाया में बैठने चलते हैं, चल वहाँ पे हम थोड़ा सा बातें करेंगे, थोड़ा सा अपनी खट्टी मीठी बातें जो कुछ भी है मतलब तो हम करेंगे। तो रानी जो है पतिव्रता थी उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो उन्होंने सीधे तराक से जवाब दे दिया। तो पहले मैं गा के बताती हूँ, नाक ना थूली पीतल फूली, छेलू बैठली तेरी दीदी भूली,